चलो बच्चों, तो आज पढ़ते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस के बारे में, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना कि तीन चीज के बारे में पढ़ चुके हैं, सॉरी तीन चीज, स्पेसिफिक हीट क्या होता है हम, उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड के बारे में जान चुके हैं, उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड यानी वाटर के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं, और फाइनल चीज पढ़ना है आपके क्या, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, सॉरी स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। तो ध्यान सोचोगे जैसे कि किसी भी सॉलिड का स्पेसिफिक कोई फिनाइट वैल्यू होता है, एक ही वैल्यू होता है, लेकिन गैस का एक ही वैल्यू नहीं होता है। इसका स्पेसिफिक हीट तुमको 0 से लेके इनफिनाइट तक लाइज करता है, इस बात पे तुम लोग ध्यान दोगे और आगे प्रूफ भी होगा कि 0 से इनफिनाइट तक कैसे लाइज करता है, ठीक है। तो अच्छे से समझना, बार बार हम बोलेंगे नहीं क्लास के जैसे, बार बार तुमको सुनना है, तो वीडियो को रिपीट करके बार बार इसको देखोगे, ठीक है ना। बाकी चीज तुमको मिल जाएगा पीडीएफ में व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप का नंबर तुम लोग को याद ही होगा, ये है 9334971154, जिसको भी चाहिए इस पे व्हाट्सएप कर देना, या जो ग्रुप में जुड़े हुए हो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट। तो सबसे पहले स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला हम लोग जान लेते हैं, जान क्या लेते हैं, पहले से पढ़ा चुके हैं, सी इक्वल टू डेल क्यू बाय एम सी डेल टी होता है। चलो ये ध्यान है ना, अब इसी पे देखो घूमेगा। अगर किसी गैस को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उस हीट को वह दो तरीके से यूज करता है। पहला तरीका, वह टेम्परेचर, खुद का टेम्परेचर राइज करता है, जो बाकी हीट है। अब देखो टेम्परेचर राइज करेगा, और गैस में एक और प्रॉपर्टी है कि वह बड़ी मतलब एक्सपेंड जल्दी करता है, फैलता जल्दी है। तो किसके अगेंस्ट में फैलेगा, किसके विरुद्ध में, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर आ रहा है उस पे। वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम सब पे आ रहा है, तो गैस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके अगेंस्ट में ये फैलता है, एक्सपेंड करता है। तो उसके लिए जितना वर्क डन करता है उसमें बाकी अमाउंट ऑफ हीट खर्च कर लेता है। फिर से रिपीट करते हैं, पहला कुछ अमाउंट ऑफ हीट वो यूज करता है टेम्परेचर इंक्रीज करवाने में, बाकी अमाउंट ऑफ हीट यूज कर लेता है वो एक्सपेंशन के दौरान जो वर्क डन लगता है एटमोस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट में, उसके दौरान बाकी हीट खर्च कर लेता है, ठीक है ना। तो अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, इफ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड टू ए गैस देन दिस हीट यूज्ड बाय द गैस इन टू वेज। फर्स्ट, सम अमाउंट ऑफ हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय इटसेल्फ, एंड रेस्ट अमाउंट ऑफ हीट यूज्ड टू डूइंग द वर्क अगेंस्ट द एटमोस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग एक्सपेंशन। समझ में आ गया ये? और याद रखना, जब एक्सपेंड करेगा तो गैस का टेम्परेचर यहाँ डिक्रीज करेगा, इस बात पे ध्यान देना, ठीक है ना। तो अगर हम कोई हीट प्रोवाइड करेंगे गैस को तो दो तरीके से यूज करेगा, पहला करेगा को इंक्रीज कर लेगा इट्स टेम्परेचर, वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर लेगा। दूसरा क्या करेगा कि वर्क कर लेगा एक्सपेंशन के दौरान एटमोस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट में वर्क करते हुए, यानी डूइंग वर्क ड्यूरिंग एक्सपेंशन अगेंस्ट एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये दो बातें। और याद रखना, जब वो एक्सपेंड करेगा ड्यूरिंग एक्सपेंशन, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा ड्यूरिंग एक्सपेंशन ड्यूरिंग एक्सपेंशन टेम्परेचर ऑफ मैटर भी लिख सकते, किसी मैटर का डिक्रीज करता है हल्का सा, लेकिन ये सॉलिड केस में हमको उतना ज्यादा मतलब होता है ना, चेंजिंग नहीं आता, लेकिन हल्का सा थोड़ा ना थोड़ा जो डिक्रीज करता है। ड्यूरिंग एक्सपेंशन टेम्परेचर ऑफ मैटर, यहाँ पे गैस भी लिख सकते हो जो गैस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो और गैस डिक्रीजेज, ये दो बातें ध्यान दोगे तो बाकी सब समझ जाओगे, है ना। दो तरीके से यूज करता है, पहला वो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और दूसरा जो एक्सपेंड करता है उसमें उसके अगेंस्ट मतलब एक्सपेंड करता है तो एटमोस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट जो वर्क करता है उसमें वो उस हीट को खर्च करता है, और जब एक्सपेंड करता है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ध्यान देना।
अब चलो ये फॉर्मूला ध्यान में होगा, अब बाकी बारी बारी से हम सारा चीज जिक्र कर लेते हैं। तो देखो अब इसमें है क्या कि अगर किसी सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस को, किसी भी गैस को मान लो कुछ लिए हम, चलो हम इसी में हम बंद कर दिए, नहीं ना ये ढक्कन है गैस को, और इसको अचानक से कंप्रेस कर दिए, छोड़ो इस पर नहीं होगा, हाथ में देखते हैं, इसे मान लो गैस है, बिना हीट प्रोवाइड की इस गैस जो मेरे इसमें है बंद मुट्ठी में मान लो, उसको हम कंप्रेस कर दें, बिना कोई हीट प्रोवाइड किए गैस को कंप्रेस कर दिए, जैसे उसको दबा देंगे, यानी जो गैस का मॉलिक्यूल अभी दूर दूर था वो और नज़दीक आ जाएगा। जरा सोच के देखो, एक गैस मॉलिक्यूल यहाँ है यहाँ है, अब जैसे उसको दबाएंगे तो और नज़दीक जाएगा, और नज़दीक जाएगा तो उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा। लेकिन ये काम कब होगा? बिना कोई हीट प्रोवाइड किए हुए। तो इसका मतलब क्या, टेम्परेचर तो राइज कर गया लेकिन हीट हम दिए नहीं, चेंज इन हीट हो गया जीरो। तो इस केस में तुम्हारा जो डेल क्यू बराबर ये जीरो हो जाएगा, तो स्पेसिफिक हीट यहाँ पे जीरो रखोगे तो क्या आ जाएगा, एम सी डेल टी इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा। तो पहला पॉइंट यही है, यानी हम कह सकते हैं कि जब किसी गैस को हम बिना हीट प्रोवाइड किए सडनली उसको कंप्रेस कर देंगे तो उसका टेम्परेचर राइज कर जाता है और स्पेसिफिक हीट उसका जीरो हो जाता है ना। गैस कंप्रेस सडनली विदाउट प्रोवाइडिंग एनी अमाउंट ऑफ हीट, देन स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस बिकम्स कितना, जीरो। ध्यान देना इस बात पे, चलो बार बार अपना देख लेना समझ लेना। दूसरा पॉइंट है, अब जरा ध्यान से देखना, जो एक्सपेंड करेगा तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और हीट सप्लाई के कारण उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, है ना। अब देखो जो टेम्परेचर का जो फॉल करने का रेट है, द रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर ड्यूरिंग एक्सपेंशन, द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग एक्सपेंशन बिकम्स इक्वल टू रेट्स ऑफ इंक्रीज द टेम्परेचर ड्यू टू सप्लाइड हीट इज इक्वल। याद रखना कि यहाँ जो जितना टेम्परेचर उसका फॉल कर रहा है, मतलब क्या, मतलब डिक्रीज कर रहा है उसका रेट, और यहाँ जितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है उसका रेट, दोनों अगर बराबर हो जाए तो बताओ क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा तो चेंज इन टेम्परेचर तो जीरो रहा है ना। इसको ऐसे समझो कि 5 डिग्री एक मिनट में, मान लो 5 या 16 मिनट को 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया एक मिनट में, और ये 5 डिग्री सेल्सियस से घट गया ये बढ़ गया। अब लो बात तो बराबर है, टेम्परेचर में कोई फर्क पड़ा ही नहीं इस पे, तो क्या होगा उस समय में कि चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा और जो स्पेसिफिक हीट है देखो क्या हो जाएगा, इसमें आराम से पुट करो, समझने की कोई ना समझने की कोई बात ही नहीं है, तो ये इनफिनाइट हो जाएगा। समझ में आ गया ये बात। तो एक बार इसको इंग्लिश में बोल देते हैं, व्हेन रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर ड्यू टू एक्सपेंशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू सप्लाइड हीट, देन स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस बिकम्स इन्फिनिटी। सारा बात पीडीएफ में लिखा हुआ है, तुम लोग वहां से नोट कर लोगे, ये बात हो गया। अब तीसरा पॉइंट में देखो, थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, ध्यान से देखना ये कि जब गैस स्लोली एक्सपेंड करे और एक्सपेंड में हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर घटता है, तो जब स्लोली एक्सपेंड करे और उसका जो टेम्परेचर हीट के कारण राइज कर रहा है वो मतलब फास्ट हो जाए, तो कहने का मतलब कि घट रहा है कम से और बढ़ रहा है ज़्यादा से। यानी देखो अगर हम दूसरा केस की बात करें यहाँ पे, तो अगर ये इसमें मान लो घट रहा है 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जा रहा है 10 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनली टेम्परेचर तो उसका बढ़ रहा है ना, तो उस समय में जो डेल्टी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और जब डेल्टी पॉजिटिव आ जाएगा तो यहाँ पर देखो तुम डेल क्यू बाय एम सी इंटू पॉजिटिव, ये तुम्हारा होल क्वांटिटी हो जाएगा, पॉजिटिव से भाग करोगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो इस पॉइंट में लिखोगे कि जो व्हेन गैस एक्सपेंड स्लोली देन फॉल इन टेम्परेचर बिकम्स स्मॉलर देन द राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू सप्लाइड हीट, इन दिस केस स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस बिकम्स पॉजिटिव। अब इसका उल्टा सोचो,
यहाँ देखो ये बड़ी फास्ट से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था और धीरे से डाउन में आ रहा था। अब उल्टा जरा सोच के देखो कि जो फॉल करेगा बहुत फास्ट करेगा, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से ये नीचे आ गया और ये इंक्रीज किया 5 डिग्री सेल्सियस से, मतलब और पीछे नीचे आ गया, नेगेटिव में भाग गया। तो जो चेंज इन टेम्परेचर तुम्हारा क्या आएगा, वो नेगेटिव आ जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव हो जाएगा तो स्पेसिफिक हीट भी तुम्हारा यहाँ पे अगर नेगेटिव रखोगे तो क्या आ जाएगा, वो डेल क्यू बाय एम सी इंटू नेगेटिव, यानी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बस ये 4 पॉइंट है गैस के बारे में स्पेसिफिक हीट, इस पे ध्यान से सुन लेना। थोड़ा और आगे चलते हैं, लेकिन देखो यहाँ क्लियर हो गया है ना कि देखो स्पेसिफिक हीट जीरो भी हो रहा है, सॉरी जीरो भी हो रहा है, इनफिनाइट भी हो रहा है, और हम देखें कि नेगेटिव भी हो रहा है। तो लेकिन जनरली माना जाता है कि जो गैस का स्पेसिफिक हीट है वो जीरो से इन्फिनाइट के बीच में ही लाई करता है, कभी कभी नेगेटिव होता है लेकिन कभी कभी, लेकिन उसको हम लोग जनरली इग्नोर ही करके छोड़ते हैं, किसी बुक में तुमको मिलेगा नहीं कि नेगेटिव होता है। और अगला चैप्टर में जब इतना वैल्यू होता है तो हम लोग दो ही स्पेसिफिक हीट गैस का पढ़ते हैं, सीपी एंड सीवी, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाएंगे उसमें। इसका मतलब स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक, कुछ बातें याद रखोगे, कुछ बातें याद रखो, चलो लास्ट में उसको लिख देंगे इसको मिटाने के बाद। पहले एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनोगे, एक बार फोकस मार देते हैं उस पर। तो एक बार रिपीट मार देते हैं इसको, चलो। अगर गैस को हम कुछ हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो दो तरीके से यूज करता है, पहला वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और बाकी अमाउंट ऑफ जो हीट होगा वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के कारण के अगेंस्ट में जो एक्सपेंशन के दौरान वर्क डन करता है उसमें खर्च कर लेगा। याद रखना, एक भाग हीट का वो टेम्परेचर राइज कर लेगा खुद का, दूसरा जो वर्क डन करेगा एटमोस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट उसमें खर्च कर लेगा। याद रखना, एक्सपेंशन के दौरान गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ठीक है, ये बात समझ लोगे। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, सी इक्वल टू डेल क्यू बाई एम सी डेल टी होता है। अब जरा ध्यान देना, पहला केस ये है कि जब हीट को सॉरी जब गैस को हम बिना हीट प्रोवाइड किए हुए अचानक से कंप्रेस्ड कर दे, तुरंत कंप्रेस्ड कर दे, तो उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा और स्पेसिफिक हीट उसका पॉजिटिव होगा। इसका इंग्लिश होगा मतलब ए वेन या वेन गैस इज कंप्रेस सडनली then its temperature is rise and specific sorry without चलो फिर से बोलते हैं कि when gas is compressed suddenly without providing any gas when gas is compressed suddenly without providing any amount of heat then its specific heat becomes positive sorry specific heat becomes zero। ठीक है, दूसरा केस है कि when rate of fall in temperature due to expansion equal to rate of increasing temperature due to supplied heat then इट्स ए स्पेसिफिक हीट बिकम्स इन्फिनिटी। क्योंकि देखो इस केस में जितना टेम्परेचर जितना मतलब जितना डिग्री से ये फॉल कर रहा है उतना ही डिग्री से राइज कर जा रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जीरो। जब जीरो यहाँ रखोगे तो इन्फिनाइट हो जाएगा। दूसरा है कि अब इसका उल्टा देखो, सॉरी अब इसमें ध्यान से देखना कि जो ये केस है ना, हाँ, कि जब जब फॉल इन टेम्परेचर यानी बहुत स्लोली एक्सपेंड करे, तो जब गैस बहुत स्लोली एक्सपेंड करेगा ताकि इसका जो फॉल इन टेम्परेचर है वो राइज इन टेम्परेचर से कम हो जाए। जैसे देखो जल्दी जल्दी 1 डिग्री सेल्सियस से गिरा तो इंक्रीज कर गया 10 डिग्री सेल्सियस से, तो ऑब्वियसली बात है डेल्टी बराबर तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा। जब यहाँ पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका उल्टा देखो, एक्सपेंशन के कारण बहुत बहुत फास्टली वो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है लेकिन कम अमाउंट से बढ़ रहा है,
तो फिर उसमें नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक कि क्लियर, ठीक है ना? इस बात को आराम से समझो, बार बार वीडियो देखोगे, लिखोगे, पीडीएफ फाइल तुम लोगों को मिल जाएगा। अब कुछ बातें हैं जो इसको याद करना न्यूमेरिकल में काम देगा। देखो कि जो स्पेसिफिक हीट वाटर का है, याद रखना ना, ये है 1 कैलोरी पर ग्राम, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब इसको सीजे से बदलोगे तो यह आ जाएगा तुम्हारा ऑलमोस्ट 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है? वह आइस का इसका आधा होता है, यानी 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब इसको बदलोगे वही जूल में तो आ जाएगा 2100 जूल पर केजी पर केल्विन। और एक और बात याद रखना, स्ट्रीम का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो 0.47 यानी 0.5 है, यहाँ से 0.03 कम कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और ये 2000 जूल में आ जाएगा, जूल पर केजी पर केल्विन। याद रखना ये सब न्यूमेरिकल में काम देगा, ठीक है? अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, सॉरी, चेंज इन फेज एंड लेटेंट हीट। ध्यान से देखना, इसको भी मिटा ही देते हैं। चेंज इन फेज एंड लेटेंट हीट। गौर से देखो, जनरली किसी भी मैटर का, तो किसी भी मैटर जनरली क्या, तीन ही मैटर के बारे में हम स्टडी करते हैं। जो मैटर का जो फेज होता है, फेज ऑफ मैटर, वो देखो क्या होता है, सब जानता होगा। फेज ऑफ मैटर ये होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखो इस फेज में जो चेंजिंग आता है ना, उसे ही हम लोग कहते हैं चेंजिंग फेज, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन ऑफ फेज। यानी एक फेज से दूसरे फेज में, जैसे सॉलिड से लिक्विड में गया, लिक्विड से सॉलिड में आया, या लिक्विड से गैस में गया, गैस से लिक्विड में आया, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन ऑफ फेज या चेंज इन फेज, ठीक है ना? इज नोन एज चेंज इन फेज, ठीक है? और एक बात याद रखना, यहाँ पे जो फेज में चेंज होगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। चेंज इन फेज takes place at constant temperature, याद रखना कि कभी भी फेज में चेंजिंग आता है तो टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट होता है। यानी कि अगर हम पकड़ लें कि अगर मैटर में, मान, ध्यान समझना कि कोई सॉलिड का सॉलिड या लिक्विड का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो जाए तो समझ लेंगे कि वहाँ फेज का चेंजिंग हुआ है। टेम्परेचर डिफरेंस रहे तो फेज में चेंज नहीं होगा, ठीक है ना? अगर टेम्परेचर सेम रहे तो समझ लेना कि वहाँ फेज में चेंजिंग हुआ है, ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल वाटर का ही हम लोग ले लेते हैं। देखो ये बर्फ है, मान लो कि ये आइस है अभी सॉलिड के केस में, है ना? कहाँ पे आइस, मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब क्या करोगे कि इस आइस से हम लोग इसमें हीट सप्लाई करते हैं, हीट ऐड कर देते हैं,
हेट गिवेन प्लस डेल क्यू, इसको हम हीट दे दिए। जैसी सॉलिड को हम लोग हीट देंगे यानी आइस, बर्फ मान लो ये आइस है, अगर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हीट हमको हीट इसको देंगे तब आइस क्या करेगा, बर्फ क्या करेगा, वो पहले पिघलेगा, मेल्ट करेगा, ठीक है ना, पूरा मेल्ट कर जाएगा, मतलब यहाँ पे पानी बन जाएगा, ये लिक्विड के फेज में आ जाएगा, ये लिक्विड हो गया। लेकिन फेज तो चेंज कर लिया ना, फेज चेंज कर लिया तो टेम्परेचर इसका उतना ही रहेगा। मतलब सीधी सी बात कर रहे हैं कि देखो सॉलिड दो ही काम करेगा ना, वहाँ पे टेम्परेचर भी राइज करेगा और फेज भी चेंज कर लेगा, दोनों बातों तो सॉलिड में नहीं ना हो सकता है जी। जितना अमाउंट ऑफ हीट इसको हम देंगे उसका खर्च कर लिया, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट छोड़ दिया, वहीं पर रहने दिया, बस अपना फेज चेंज कर लिया, यहाँ पर सॉलिड था अब वो लिक्विड में आ गया। अगर उल्टा करें, अगर लिक्विड है अब यहाँ से हम हीट को निकाल लें, मतलब निकाल दे बाहर कर ले, यहाँ पे ऐड किए और यहाँ पे हम हीट निकाल दिए, हीट टेकन माइनस डेल्टा क्यू, अगर यहाँ से हीट हम निकाल देंगे, जैसे ही हीट निकालेंगे तो ये फिर लिक्विड से किस में आ जाएगा, आइस में आ जाएगा। इसका और भी उल्टा भी तुम लोग देख सकते हो कि देखो यहाँ पे कि जैसे कि मान लो ये लिक्विड है ना, बॉयल कब करता है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे, वहीं पे तो उसका फेज चेंज होता है ना, तभी तो वाष्प बनता है, वेपर बनता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर है और इसमें से अगर हीट को हम मतलब यहाँ पे अगर हीट हम इसको मान लो यहाँ से हीट को हम दे दिए, यहाँ पे हीट गिवन, चलो हीट गिवन यानी डेल क्यू हो जाएगा यहाँ पे प्लस में, हीट गिवन प्लस डेल्टा क्यू, तब क्या होगा, हीट देंगे तो ये तुम्हारा गैस बन जाएगा, उड़ गया, ले वाष्प बन के उड़ गया, लेकिन टेम्परेचर इसका वही रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। और अगर इस वाष्प से अगर हीट हम ले लें, हीट टेकन माइनस डेल्टा क्यू, तो फिर ये वापस लिक्विड फेज में आ जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना यहाँ पे फेज चेंज कभी भी होता है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर यहाँ पे सेम रहना तो सेम हो तो समझ लेना कि उसका फेज में चेंजिंग हो रहा है, और अगर सेम नहीं रहे तो समझ लेना फेज में चेंज नहीं हो रहा है। ध्यान से इसको देख लो, चलो अब आगे आते हैं लैटेंट हीट पर। लैटेंट हीट देखो, लैटेंट हीट क्या होता है, इसका डेफिनेशन है कि दे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इन फेज फॉर यूनिट मास, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इन फेज फॉर यूनिट मास, है ना, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इन फेज ऑफ ए मैटर फॉर यूनिट मास इज नोन एज लैटेंट हीट। इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, याद रखना हीट यूनिट मास के लिए, तो यहां मास से क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, यानी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एल, ठीक है। तो इसका तुम इसका यूनिट क्या कर सकते हो, यूनिट हो जाएगा, जैसे एनर्जी का यूनिट क्या होता है जी, यहाँ पे कैलोरी पर ग्राम या
जूल पर केजी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन क्या होगा, तो जूल का डायमेंशन क्या होता है बताओ, डायमेंशन की बात करें इसका तो हम, डायमेंशन हो जाएगा एम से एम तो खत्म ही हो जाएगा ना, एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो ये हो गया इसका डायमेंशन। अब यहाँ दो टाइप का होता है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। पहला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ध्यान से समझना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें क्या होगा, सेम डेफिनेशन है, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा। कहाँ से कहाँ जाएगा, ये सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, ठीक है। तो उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और फॉर्मूला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी एल एफ बराबर क्यू बाय एम, यहाँ से लिख सकते हो क्यू बराबर एल एफ इंटू या एम, ठीक है, ध्यान देना। दूसरी बात है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये क्या होगा, ये आपको लिक्विड से सीधे गैस में चला जाएगा ना, लिक्विड से गैस में चला जाएगा, और सेम फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बराबर यहाँ पे एम एल भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें हैं, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वाटर, ऑफ वाटर याद रखना 536, 536 कैलोरी पर ग्राम होता है, और आइस का लेटेंट हीट ऑफ आइस होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, याद रखना है इसको, न्यूमेरिकल में काम देगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, दिक्कत होगा कमेंट करना, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, और पूरा याद कर लो, उसके बाद एक क्लास और लगेगी इसको खत्म होने में, फिर न्यूमेरिकल बताएंगे।